वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं दिलबाग सिंह सालों गुरमीत सिंह पिंड बरनाला कला जिला शहीद भगत सिंह नगर मैं पिंड बरनाला कला का लंबरदार हाँ। 2014 तो बने 1500 रुपये माण पत्र मिलता जो कि साढ़े खर्चा मुताबक जो आम आदमी तो घट बहुत घट है। लंबरदार पिंड की लोक सेवा है जी। पिंड पिंड के बंद काम करने जिन्हें रजिस्ट्रियाँ वो बंद काम होंगे सरकारी कामों के सहायता करनी। लंबरदार अपने कामों कार सुचेत अपने पिंड की जमीन का कामों से लंबरदार कोई ये इलेक्शन वोटर ना नहीं बनया जाता। लंबरदार आम पिंड तो चुने गया होंगे जोड़ा कि बड़े ईमानदारी का काम करता है। तो बाकी पिंड के सहयोग के नाल चलता पिंड की जमीन का वो भी कोई है जो रकबा है जो सरकारी मुलाज तहसीलदार साहब आते उन्होंने मिल के चलते हैं जो भी सानू हुक्म लाते हैं सरकार का तहसीलदार साहब कोई काम कहते हैं तो उन्होंने असं सिर मत्थे लगाते। चौकीदारा मैं तो कदम ग्राया नहीं जिदन का बनया जी मैं अपने को जमा करा दिना घर हूँ तो मेरे को माफी हो गया जी। चौकीदारा तो इकट्ठा करा नहीं है मेरे को सरकार का बहुत बड़ा धक्का है जी। जो कानून है इन्होंने वापस होना चाहिए लेना चाहिए सरकार को जिड़ी कि साड़िया फसल मंडिया के पहला बिकदियाँ उदा बिकनी चाहिए वो हरेक जिमीदार आड़ती भी लेन देन का होंगे ये सरकार धक्का कर रही है बिल्कुल सरासर जिमीदार सरकार वधिया तालमेल है ही नहीं जी। सरकार ने साडे मंत्री साहब कहते थे बहुत वधिया कानून बनाए हैं जिहड़े कि बादल साहब ने नाल बनाए भी अज हम इस्तीफे दे गए। बीजेपी दे नेतियां जी किसान विरोधी आ अपने जिहड़े अडानी बानी है इन्हां दे नाल मिलके चलदियां जी कारपोरेट घरां नूं घराणियां नूं दे रही सब कुछ। बीजेपी सरकार वल्लों जिहड़ा कारपोरेट घराणियां नाल कंप्रोमाइज़ हो रहा है उन्होंने दे रही है खेती किसानों नूं थले ला रही है जमीना इन्हां दीआं खत्म कर देनिया लैके जी। बाकी इन्होंने जो भी है किसानी है 70-80% 90% 100% भी जुड़ी हुई है किसानी है तो मेरा क्लास बहुत थले जा रही है। हाँ जी बंदा सिंह बादल जी इन्होंने साढ़े खेती जिमीदारों जमीन के मालिक बनाया जी उस बाद अंग्रेज राज सी जी 9 महीने संघर्ष किया जी उन्होंने अंग्रेजा ने मान लिया कि जमीन जी इन्होंने मालिक बनाया जाए तो इस तरह इन मोदी सरकार को भी चाहिए है कि किसानों दी मंगा आ इनू जायज़ मनिया जाए और इन्हों जो कानून बनाए उन्होंने वापस लिया जाए।